मॉर्निंग एवरीवन आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में और आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आई हूं द मोस्ट अवेटेड सेशन 2024 बैंक एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या करें जिससे जो हमारा नया साल शुरू होने वाला है हम इस साल तो नौकरी पक्का ले ले सोचते हो ना सभी बच्चे ऐसे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इज अबाउट टू एंड एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज अबाउट टू स्टार्ट सोचते हैं कि चलो 2023 में जो हुआ हुआ पहले जो कुछ गलतियां की नहीं की ठीक किया गलत किया जो भी है मिट्टी पाओ अब 2024 की शुरुआत बहुत बढ़िया से करनी है ऐसा ही सोच रहे हो ना आ जाओ तो आज मैं आपके लिए सेशन में लेकर आई हूं एक बहुत ही तगड़ी चीज आंखें खोल देने वाली चीजें आप बहुत समय से हो सकता है कि कुछ चीजें कर रहे होंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा बैंक एग्जाम्स में प्री निकल रहे हैं मेंस नहीं निकल रहे या फिर मेंस कुछ कुछ मार्क्स से हमेशा रह जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को क्योंकि यहां मैं बात करने वाली हूँ पुराने बच्चों की भी और जो बिल्कुल न्यू कमर्स है जिनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया है उनकी भी तो आ जाओ बच्चों 2023 को हम टाटा बाय बाय करने वाले दो हजार बिल्कुल स्टार्ट होने वाले तो सबसे पहले जो बच्चे पुराने हैं जो तैयारी 2023 में भी जिन्होंने एग्जाम्स दिए या उससे पहले से भी तैयारी कर रहे हैं अब होता क्या है जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको काफी हद तक पता है कि हम कहां पर गलत हैं। अब 2023 में आप बच्चों ने कुछ मिस्टेक्स की ध्यान से सुनिएगा वो गलतियां आपको 2024 में नहीं करनी है 2024 में सिलेक्शन होगा एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि 2023 में आपकी जर्नी कैसी थी एक भी प्री नहीं निकला या प्री निकल गए या मेंस भी निकल, मेंस भी कुछ कुछ मार्क्स से रह गए। अब आप कौन सी कैटेगरी में हैं? आपको पता है ठीक है तो गलतियों से सीखना है अब कह देना तो बहुत आसान है गलतियों से सीखना मैं ये चाहती हूं कि आप बच्चे उस कैटेगरी में ना जाएं क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं कि हमें दो साल हो गए हैं तीन साल हो गए हैं चार साल हो गए हैं तैयारी करते हुए लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए ऐसा इसलिए होता है हम इरेग्युलर हो जाते हैं बीच में है ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं हम गलतियां करते हैं वही सेम गलती अगले साल भी रिपीट करते हैं फिर एक साल कुछ सीखते नहीं है हमको लगता है हम जो कर रहे हैं हमारा जो तरीका है वो दी बेस्ट है तो वही गलतियां हम रिपीट करते जाते हैं एक साल दो साल तीन साल उन्हीं बच्चों को लगता है इतना समय जो बच्चा उसने कुछ गलती की अगर उससे सीख ली तो वो गलती कभी नहीं होगी ना फिर फिर कैसे सिलेक्शन रह जाता है कोई बात नहीं मैम आप तो बहुत गोल 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 ऐसे घुमा रहे हो आराम से करते हैं बात तो पुराने बच्चों को तो भैया क्या करना है यही करना है कि उनकी पुरानी गलतियां जो हैं उससे सीखना है कैसे सीखना है वो भी मैं बताऊंगी 2024 में उन गलतियों को नहीं करना अब मैं बात करती हूँ नए बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे अभी बच्चे हैं जो 2024 में तैयारी करेंगे और बस यही कर रहे हैं कि चलो ये निकल जाए न्यू ईयर हो जाए न्यू ईयर के बाद से हम लोग कोचिंग लेंगे ऐसा करेंगे बैंक एग्जाम में घुसेंगे <coughs> है ना तो कोई भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड हमें पता रहे है ना अब एक बात सोचो अब माँ बाप हैं अपनी लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं है ना तो लड़के का उसकी फैमिली उसका पूरा बैकग्राउंड करते हैं ना छानबीन वैसा ही आपको करना है नए बच्चों को बता रही हूँ पुराने बच्चों ने तो सब छानबीन कर ही रखी है उनको पता है क्या है क्या नहीं है सब कुछ पता है उन्हें तो अब आप बच्चों को बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अब बैकग्राउंड का मतलब बैंक एग्जाम्स हैं साल में कितने मेजर बैंक एग्जाम्स होते हैं मतलब आपको कितने एग्जाम्स की तैयारी करनी है अब नाम पता चल गया नाम के बाद में पूछा क्या क्या जाता है मतलब आपको पता चल जाए ना कि आप वो चीज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते पहली चीज बैंक एग्जाम्स के लिए आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप आर्ट से हो कॉमर्स से हो मेडिकल नॉन मेडिकल कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किसी भी उससे किया है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बैकग्राउंड से आप आप ये तैयारी बैंक एग्जाम की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं अब सबसे पहला काम कितने हमारे साल में एग्जाम्स होते हैं मेजर बैंक एग्जाम्स में यहां पर आपके लिए लेकर आई हूं ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे हमारे पास में मेजर छह एग्जाम्स हैं जो हर साल ही होते हैं आरआरबी क्लर्क का पेपर पीओ का पेपर आईबीपीएस क्लर्क का पेपर पीओ का पेपर एसबीआई क्लर्क का पेपर पीओ का पेपर नाउ क्लर्क एक ऐसी पोजीशन है जिससे एक लेवल ऊपर हम बोलेंगे कि पीओ की है तो आपको पता चल गया क्लर्क नीचे की पोजीशन, नीचे एज इन ऐसा नहीं समझना है कि क्लर्क 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 होता है भाई काम काम होता है, है ना तो क्लर्क से एक लेवल ऊपर हम बोलते हैं पीओ को प्रोबेशनरी ऑफिसर तो छह एग्जाम्स मैंने यहां पर बताए एक होता है आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ ये तो हमको पता चले भैया नाम, है ना अब इंटरव्यूज भी होते हैं अभी यहां पर मैंने लिखा है प्रीलिम्स और मेंस कैसे पता चलेगा आप जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हो आपको नाम पता है लेकिन उस नाम के अंदर क्या है क्या पूछा जाता है आपको किस-किस चीज को पढ़ना पड़ेगा किस-किस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी तो ये प्रिलिम्स और मेंस दो एग्जामिनेशंस है जो हर बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बैंक एग्जाम में ये दो पेपर्स होते ही होते हैं पहले होगा ये फिर उसके बाद में होगा मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यूज भी होते हैं इंटरव्यूज होते हैं आपके पीओ के एग्जामिनेशंस में और एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी पेपर होता है बच्चों जिसमें आपसे पूछा जाता है लेटर एसए ठीक है ये पीओ के एग्जामिनेशन में होता है अब ये जो चीज मैं बता रही हूँ ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज है जो आप सभी बच्चे गूगल भी कर सकते हैं बट अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं वीडियो में आपको बताऊं और मैं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ स्टिल स्टिल आपको इंटरनेट को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी परेशानी आएंगी मुझे पता है हर एक बच्चे में आती है हर एक बच्चे को हर साल बच्चे बताते हैं वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में मैम ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा तो आपके साथ भी होगा तो इसीलिए इंटरनेट को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए जहां प्रॉब्लम लगती है गूगल करो है ना चलो तो ये सब चीजें आपको खुद से चेक करनी चाहिए आ जाइए आगे अब यहां पर मैं सिलेबस लेकर आई हूं ये है हमारे अभी मैंने आपको बताया प्री और मेंस दो एग्जामिनेशन तो प्री के पेपर में ना जनरली ये तीन सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं एक को हम बोलते हैं रीजनिंग एक को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स और एक को हम बोलते हैं इंग्लिश यहां पर मैंने पूरा सिलेबस नहीं नोट किया है लेकिन एक ओवरऑल आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या होता है तो मैंने उतना उतना नोट किया है यहाँ पर रीजनिंग जो कि मेरा सब्जेक्ट है अगर मैं रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें सिलेबस आपके सामने इनिक्वालिटीजिजम ब्लड रिलेशन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑर्डर एंड रैंकिंग ये पूरा नहीं है अभी इसमें डिस्टेंस डायरेक्शन भी नहीं है बहुत सी चीजें हैं जो नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है एक ओवरऑल आइडिया के लिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं रीजनिंग में ये है नाम से थोड़ा बहुत पता चल रहा है इन जहां पर इक्वालिटी नहीं मतलब ग्रेटर देन लेस देन ऐसे सिंबल्स यूज होते हैं यहाँ पर लॉजिज्म एकदम नई चीज है बहुत बढ़िया है अगर एक बार आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हर पेपर हर प्री के एग्जाम में पूछा जाता है नंबर निकाल सकते हो फ्री में मतलब चुटकियों में ब्लड रिलेशन ए बी के फादर हैं सी बी की मदर इन लो है इस तरीके से ऐसा कुछ क्वेश्चंस होते हैं चलिए खैर ये सब चीजें ये सिर्फ नाम है पता आपको तभी चलेगा जब आप अपने सामने खोलेंगे पेपर को खोलेंगे वो भी बताऊंगी कैसे करना है क्वानिटिव एप्टीट्यूड में देखिए सिंपलिफिकेशन नंबर सीरीज परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा आता है test, fillers, बहुत कुछ है जस्ट एक ओवरऑल आइडिया आप सभी को लग जाए कि क्या क्या चीजें पूछी जाती ठीक है अब ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूं आप सबको गूगल करनी है ठीक है ध्यान रखना इस चीज का जब तक हम अपने हाथ से किसी चीज को अच्छे से नहीं देख लेते नहीं नोट कर लेते मजा नहीं आता है बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क पीओ और एसबीआई क्लर्क पीओ क्योंकि इसमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है इनका जो प्री का एग्जाम होता है ना वो सो नंबर का होता है आईबीपीएस क्लर्क का भी पीओ का भी एसबीआई क्लर्क का भी पीओ का भी आर के केस में अलग होता है ठीक है अब ये जो हंड्रेड मार्क्स हैं इनको बायफर्किट किया गया ऐसा रीजनिंग पैंतीस क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड में पैंतीस क्वेश्चन इंग्लिश में थर्टी क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं तो हंड्रेड मार्क्स के हो गए ये हुआ इनके प्रिलिम्स का और अगर मैं मेंस की बात करूं बच्चों तो यहां पर मैंने आईबीपीएस क्लर्क मेन्स और आईबीपीएस पीओ मेन्स के यहां पर मैंने चीजें नोट की हैं अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री सब्जेक्ट्स कुछ और एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती है जैसे कि जनरल अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस आ जाती है स्टैटिक जी के आ जाती है ठीक है आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो ये क्लर्क के केस में फिफ्टी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है बच्चों ये

पता चल गया आपको कि ठीक है इस तरीके से हमारे पास में प्री का पेपर होता है मेंस का पेपर होता है तो पहले प्री होता है प्री अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेंस मेंस दे पाएंगे अदरवाइज आप मेंस भी नहीं दे पाएंगे तो अब प्री और मेंस में बच्चों क्या होता है बड़ा ही तगड़ा डिफरेंस होता है बहुत तगड़ा डिफरेंस होता है किसका लेवल का अगर मैं प्री और मेंस की बात करूं तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है लेवल का इसीलिए आप बहुत से बच्चों को यह देखेंगे कि प्री तो बच्चे निकाल जाते हैं लेकिन मेंस बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक्चुअली लेवल दिन रात का फर्क है अब कैसे पता चला कि आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं है ना तो तैयारी सही ट्रैक पर चलनी चाहिए तो आपको एक मॉक टेस्ट उठाना चाहिए आप एक न्यूकमर हैं आपको मॉक टेस्ट उठाना चाहिए घबराना नहीं है डरना नहीं है मैं कहती हूं चाहे जीरो नंबर आए तुम्हारे। लेकिन एक बार उठाओ कोशिश करो कुछ 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 थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जो तुमको समझ में आए इससे क्या होगा एटलीस्ट तुमको पता चलेगा अभी तक देखो तुमने क्या पढ़े सिर्फ नाम पढ़े नाम पढ़ने से क्या होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीजिजम पाइप्स एंड सिस्टम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं नाम से क्या ही पता चलता है जब तक क्वेश्चंस नहीं देखोगे पता नहीं चलेगा कि कैसे पूछा जाता है मैंने बोला डीआई डीआई क्या होता है वो जब आप एक दो मॉक टेस्ट सिर्फ देखोगे थोड़ा बहुत खुद से कोशिश मन करेगा उठाओगे पेन करोगे तो पता चलेगा ना क्या पूछा जाता है बैंक एग्जाम में पहली बार मॉक टेस्ट उठाओगे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है लेकिन उठाना जरूर है क्योंकि यही टेस्ट जब आप तैयारी कर रहे होगे आपको एक महीना दो महीना हो जाएगा उसके बाद जब आप टेस्ट उठाएंगे आपको बहुत खुशी होगी कि मैं जीरो से कहां तक ठीक है है इसीलिए जरूरी मॉक टेस्ट उठाना है आपको सबसे पहले अब मॉक टेस्ट उठाओगे आपको पता चलेगा इस तरीके के है और आपको फिर फील होगा कि यार ये अकेले मेरे बस का नहीं है मुझे तो अब इसमें हेल्प लगेगी नाउ कम्स द टाइम जब आपको अपने लिए टीचर्स देखने होंगे टीचर इज समथिंग समथिंग नहीं बोलूंगी टीचर ऐसा ढूंढना है आपको जिस पर आपको अपने से ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि ये वो टीचर है जिससे पढ़कर मैं बैंकर बन सकता हूं बैंक एग्जाम में मेंस बहुत तगड़े लेवल का पूछा जाता है प्रीलिम्स में आपको एकदम डीप घुसकर पढ़ना पड़ेगा और ये वो टीचर है जो मुझे पढ़ा सकता है जो मुश्किल से मुश्किल चीज को मेरे लिए आसान बना सकता है ऐसा टीचर आपको ढूंढना है अब ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है बता दिया है मैंने आपको कि लेवल्स में डिफरेंस होता है प्री और मीन्स तो बड़े ध्यान से आपको चुनना है और हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर सफिशियंट है और उसके साथ फिर आपको एंड तक रहना है विश्वास करते हैं तो एंड तक रहना है उस टीचर के साथ में ठीक है तो बहुत सारे टीचर्स हैं सबसे पढ़ो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा बेसिक वाला जो उनकी क्लास होती है पढ़कर देखो जिससे बहुत बढ़िया समझ में आता है मजा आ जाए जिससे तो वही टीचर है आपके लिए ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों अब टीचर भी देख लिया आपने सब चीजें पता चल गई अब पढ़ाई शुरू करनी है यहां पर मैं आपको चीजें बताती हूं किसी जमाने में होता था कि हम टॉपिक्स छोड़ देते थे बैंक एग्जाम की तैयारी में चल जाता था लेकिन अभी नहीं चलता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो चुका है तो आपको कभी भी कोई टॉपिक मिस नहीं करना है छोड़ना नहीं है कि मैं ये छोड़कर चला जाता हूं पेपर में क्या फर्क पड़ता है बारह टॉपिक्स में से एक छोड़ दिया और वही एक पूछा गया और एक एक मार्क आधा आधा नंबर ट्रस्ट में सिलेक्शन रोक देता है तो इसीलिए कुछ नहीं छोड़ना सारे टॉपिक्स करने इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टीचर ऐसा चुनना है आपको जिसको लगे जिसके सब चीजें आपको समझ में आ जाए और टाइम लो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है अभी तुम्हारे पास समय है अभी है तुम्हारे पास समय अच्छे से चयन करो जो भी टीचर आपको देखना है टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से कहते हैं ना जीरो से एकदम नीचे से शुरू करना है क्योंकि अगर तुमने कुछ भी ऐसा बीच में से स्टार्ट कर दिया आधा अधूरा समझ में आएगा आधा अधूरा नहीं समझ में आएगा उसका कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है बिल्कुल नीचे से शुरुआत करनी है और फिर ऊपर मेंस लेवल तक जाना है सबसे पहले आप लोग प्री की तैयारी करेंगे जो नए बच्चे हैं सबसे पहले तैयारी होगी प्री की अब प्री की तैयारी के लिए सिलेबस <coughs> आप सभी के सामने है टीचर आप चुन चुके हैं तो फिर उसके बाद में हर चीज को बेसिक से करते जाएंगे टाइम टू टाइम एनालिसिस जरूरी है कोई भी टॉपिक अब आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही है उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय दो जैसे कि तीन सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश है मैथ्स है <coughs> रीजनिंग है आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है मैथ्स में मैथ्स को ज़्यादा समय देना है अब यहाँ पर आप खुद में बनकर सब चीज़ों को हैंडल करेंगे ठीक है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इस जर्नी में कभी लगेगा कि नहीं बहुत थक गए हैं क्या सारा दिन छः छः घंटे सात सात घंटे आठ आठ घंटे पढ़ना पड़ता है कभी ऐसा होगा कि नहीं बस मैं छोड़ रहा हूँ जब कभी ऐसा होगा कि दो एग्जाम्स नहीं निकले तुम्हारे बैक टू बैक है ना टीचर्स के साथ हमेशा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाकर रखो टीचर्स ही हैं जो आपको इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं और बहुत से बच्चे होते हैं साल में कोई एग्जाम नहीं निकलता लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम एस वी का निकाल जाते हैं अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपकी मेहनत है सिर्फ आपकी मेहनत टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहिए कैसे करेंगे मॉक टेस्ट दे दीजिए यही मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं कौन से टॉपिक्स नहीं हैं वीक उसी हिसाब से फिर आप आगे बढ़ेंगे और ये तो नए बच्चों की बात थी हाँ वीडियो देखते देखते पुराने बच्चे तो गायब ही हो गए होंगे हमारे लिए तो मैम ने कुछ बोला ही नहीं आ जाओ तो अब पुराने बच्चों को क्या करना है मुझे लगता नहीं है मुझे आपको बताने की जरूरत है आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं आपको पता है आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं कुछ एक टॉपिक्स आपने छोड़े हुए हैं हो सकता है प्री निकल जाते होंगे तो प्री में आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेंस में आप परेशान हो रहे हैं उस लेवल की पजल्स आप नहीं बना रहे हैं उस लेवल की डी आई सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो जरूरत है अच्छे कॉन्टेंट की प्रैक्टिस की तो जहां पर कमी है अपनी कमी को आपने ढूंढना है आपने ढूंढना है मैं आपके सामने कमियों के नाम लिख सकती हूँ बच्चों लेकिन कमी को दूर आपने ही करना है तो जो गलतियां आपने 2023 में की हैं वो 24 में नहीं करनी है मॉक टेस्ट देते हैं ना मेन्स के देते हैं प्री के देते हैं तो वहां से देखो ना कि कौन से क्वेश्चंस जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग अभी आजकल बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है और बच्चों को परेशानी होती है तो क्रिटिकल रीजनिंग में दिक्कत आ रही है तो क्रिटिकल रीजनिंग करो टीचर ने समझा दिया मेरी भी बहुत सी वीडियोज हैं आपको जिससे पढ़ना है पढ़ो उसके बाद सिर्फ उतना सफिशियंट नहीं है ना उसके बाद में आपकी भी मेहनत है ए, एक टीचर आपको समझा सकता है कि आपको इस सोच के साथ में आगे चलना है क्रिटिकल रीजनिंग में अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना है है ना आपको स्टेटमेंट को ट्रू मानकर चलना है उसके बाद में मेहनत आपकी है डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बच्चों मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रस्ट मी बस लग जाओ दो शुरू होने वाला है मेहनत करनी है और इस साल बैंकर बन के दिखाना है